अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ पोंचा डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए मुझे एक कैपरी चाहिए। कैपरी की लेंथ मुझे तैयार 36 चाहिए, तो बीच में मैंने जॉइंट लेस लगानी है और पेंटिक्स डालनी है। तो इस तरह एंची टेप रख के 32 पे मार्क लगा दिया और इधर से मैं कट कर लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने कट कर लिया है। ये मेरे पास जॉइंट लेस है, कपड़े को हमने सीधा रखा है, जॉइंट लेस को हमने उल्टा करके रखा है और एक पाँव का फासला छोड़ के मैं सिलाई लगा दूंगी। इस तरह मैं अब सिलाई लगा लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने लेस लगा ली है। अब ये जो कपड़ा हमने नीचे से कट किया था, इसको रखेंगे और इस कपड़े को इस तरह उल्टा करके इसके ऊपर इस तरह रख के हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखें व्यूवर्स, ये मैंने अटैच कर लिया है, आप भी इसी तरह अटैच कर लें। अब इंची टेप को लेना है और यहाँ 2 इंच पे एक निशान लगा देना है और नीचे की तरफ भी 2 इंच पे एक और निशान लगा देना है। अब हम पेंटिक्स डालेंगे, 1/2 इंच वाली पेंटिक्स। इस तरह पकड़ के इस तरह 1/2 इंच पे हम एक पेंटिक्स डाल देंगे। इस तरह जहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाया था, आपने इस कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेना है और यहाँ 1/2 इंच पे एक सिलाई लगा देनी है। ये देखें, ये मैंने पेंटिक्स डाल लिए, आप भी इसी तरह डाल लें। अब हम यहाँ नीचे भी इसी तरह पेंटिक्स डाल देंगे। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे अब मुझे डिज़ाइनिंग करनी है और डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये सारे कपड़े लिए हैं क्योंकि मेरी शर्ट में ये सारे कलर थे। और मुझे अब एक कपड़ा चाहिए जिसकी लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से ले लें और उसकी विड्थ होगी 2.5 इंच। ये आप देख सकते हैं, ये देखें 2.5 इंच मैंने इसकी विड्थ। इस तरह हम इसको फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और फिर सीधा करके इसको प्रेस करके तो हमने चकोर बॉक्स बना के इधर नीचे कैपरी के लगाने हैं। बताती हूँ किस तरह। ये देखें, ये मैंने सिलाई लगा ली है, अब मैं इसको सीधा करूँगी। सीधा करने के लिए ये देखें, मैंने एक नीडल ली है, उसमें धागा डाल लिया है। अब उसको इस तरह यहाँ इस किनारे पे ये 2 बार यहाँ से मैंने सिलाई लगा के इसको पक्का कर लिया है। फिर हमने क्या करना है, यही सुई उल्टी इस तरह डालनी है, डाल के इसको हमने दूसरी साइड से निकाल लेना है। मैंने निकाल ली है, अब इसको यहाँ से खींचेंगे तो ये खुद बहुत सीधी होती जाएगी। ये देखें, ये मैंने इसको सीधा कर लिया है, अब इसको मैं प्रेस कर लूँगी। ये मैंने साड़ी बना के इनको मैंने सीधा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इनको हमें कट कर लेना है। 2.5 पे निशान लगाना है, दूसरा निशान भी 2.5 पे ही लगाना है हमें। और हमें ये सारे निशान जहाँ जहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं ये हमें कट कर लेने हैं। ये 2.5 पे सारे निशान लगा के इस तरह आपने इनको कट कर लेना है। ये देखें, ये सारी मैंने कट कर ली है, आप भी इसी तरह इनको कट कर लीजिएगा। अब ये मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई मैंने पौंचे के हिसाब से ली है और इसकी विड्थ 3 इंच मैंने ली है। अब आपने इनको इस तरह फोल्ड कर लेना है ये, और यहाँ 1/2 इंच पे आपने सिलाई लगा देनी है। इस तरह कैपरी की सीधी साइड लेंगे और इनको हमने इस तरह रखना है, इनकी ये वाली साइड जो है ऊपर को हो। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैंने लिया था वो इसके ऊपर इस तरह यहाँ से फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह रख के हमें सिलाई लगा देनी है। 1/2 इंच का गैप देके यहाँ पे दूसरा ये जो चकोर कपड़ा है हम इसको इस तरह लगा देंगे। 1/2 इंच का गैप देके आपने सारी ये लगा लेनी है। ये देखें व्यूवर्स, ये हमने लगा दी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इनको इस तरह उठा के इस तरह प्रेस करके सिलाई लगा देनी है यहाँ उल्टी साइड पे, यहाँ किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। इस तरह प्रेस करके यहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है। ये
ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने एक पोंचा तैयार कर लिया है। आप इसी तरह दूसरा पोंचा भी तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के